हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू और ये होने वाला है इनसाइट कॉस्मेटिक की तरफ से। जिस प्रोडक्ट की मैं बात करी हूँ वो है ये इनसाइट मेकअप असेंशियल HD फिनिशिंग लूज पाउडर। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे इसको काफ़ी टाइम हो गया है खरीदते और मैं काफ़ी यूज़ भी कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चलो अब रिव्यू कर ही देते हैं। मेरा शेड है इसमें 11 लाइट और इसका फुल डिटेल में आज हम रिव्यू करने वाले हैं, कैसा है कैसा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है इसकी आउटर पैकेजिंग और ब्लैक कलर की पैकेजिंग है। सब कुछ जो मैंने आपको बताया था वो सब सामने लिखा हुआ है। पीछे की तरफ इसका प्राइस विद पैकेजिंग वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। इसका MRP है 125 रुपीज़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिस्काउंट पे लग के मुझे ये कितने का मिला होगा। बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है ये और इनसाइट के वैसे भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप बिगनर हो और आप लूज पाउडर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। टैल्क स्टार्च, पॉली मिथाइल मिथाक्राइलेट, मैग्नीशियम स्टीरेट, मिथाइल पैराबिन। तो इसमें पैराबिन है। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें पैराबिन नहीं है तो है इसमें। अगर आप पैराबिन अवॉइड करते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर आप पैराबिन से ओके हो तो आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे। अब ये क्लेम क्या करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ फ्लॉलेस, इट इज़ शाइन फ्री, ये लॉन्ग लास्टिंग है, SPF प्रोटेक्शन देता है और आपका जो एक्सेस ऑयल होता है उसको भी कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल रहता है। जल्दी से मैं इसकी इनर पैकेजिंग दिखा देती हूँ आपको। ये प्लास्टिक का टब मिल जाएगा और आप नीचे से देख सकते हैं मेरा शेड। वैसे ये 6 शेड में अवेलेबल है नायका पे, मैंने देखा था अभी 3 शेड में ही ये अवेलेबल है और 6 शेड भी गाइस काफ़ी कम है इंडियन स्किन टोन के लिए। तो आई होप कि ये आगे वैरायटी और निकालें शेड की। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो अंदर से मिलता है ये स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज तो ठीक है लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है ना इतनी मैसी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब आप जब तक ऐसे रखे रहोगे ना कहीं पे तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया ना तो बिल्कुल ऐसा रायता की तरह ये फैल जाता है। मेरा शेड है लाइट 11 जो कि मेरे स्किन टोन के हिसाब से परफेक्ट है। और अगर इसके टेक्सचर की बात करूं तो यू कैन सी हल्का सा ये येलोइश टोन में है, लेकिन जब हम इसको सेट करते हैं ना अपने फेस पे बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है इसकी कंसिस्टेंसी। तो बहुत अच्छी तरीके से ये आपके पूरे मेकअप को, फाउंडेशन को सेट करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई करके सेट कर सकते हैं, और अगर आपको जस्ट आपके अंडर आइज़ और अराउंड नोज़ को सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि डैम ब्यूटी स्पॉन्ज से ये ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। आप ये मत यूज़ कीजिए क्योंकि ये तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मैसी रहता है इसका स्पॉन्ज। ओवरऑल आप अगर ब्रश यूज़ करते हैं तो भी हल्के हाथों से आप यूज़ करना, वरना तो आप डैम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसको अप्लाई कीजिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जो मेकअप है वो सेट होगा और बहुत टाइम तक आपका जो मेकअप है वो टिका रहेगा, इधर से उधर नहीं जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी फाइन लाइंस नहीं दिखती हैं इसके साथ और कोई भी क्रीसिंग भी नहीं दिखती है इधर उधर। तो बहुत ज़्यादा अच्छा वाला ये फिनिशिंग पाउडर है, जो बोलता है ना HD फिनिशिंग लूज पाउडर। वैसे मैं पूरा तो नहीं बोलूँगी कि हाँ है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छा वर्क करता है एज एन अफोर्डेबल लूज पाउडर की तरीके से। अगर आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, खासकर ये जो समर आने वाला है ना, हमें पता है कि हमारा मेकअप कैसे पिघलता है मिनटों में, तो उसके लिए लूज पाउडर सबसे अच्छा रहता है सेट करने के लिए। तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है लूज पाउडर में तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपकी स्किन ऑयली है मेरी तरह, काफ़ी ज़्यादा ऑयल एक्सेस ऑयल छोड़ती है, तो
उसको भी कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर लेना अगर आपको खरीदना है तो। बाकी तो मैं सारे पॉइंट्स इसके क्लियर कर चुकी हूँ, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी और इधर उधर की। अगर मैं ये बात बोलूँ कि आपको ट्राई करना चाहिए कि नहीं ट्राई करना चाहिए, जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये अफोर्डेबल है, लेकिन अफोर्डेबल होने के साथ साथ ये चीप नहीं है, काफी अच्छा काम करता है ये। तो जो काम कर रहा है प्रोडक्ट तो उसके लिए तो ज़रूर बोलना बनता है। और इवन ये डिस्काउंट पे आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। इन साइड के प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आजकल काफ़ी लाइमलाइट में भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ ये वाली ब्रांड ज़रूर चेक करो। वैसे तो इन जनरल मैं यही बोलूँगी, लेकिन आपको ये लूज़ पाउडर अगर ख़रीदना चाहते हो तो वो भी ख़रीद सकते हो, काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आपके मेकअप को सेट करेगा। समर्स के लिए तो एप्रोप्रिएट है ही ये। और कोई भी अगर पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। बस मुझे इसकी पैकेजिंग थोड़ी मैसी लगी कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन इतने कम प्राइस में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।